हेलो फ्रेंड्स, आपका दोस्त सतीश बंगा हियर। देखिए, आज का ये वीडियो आपके लिए है कि विड्रॉल कैसे लगाएं। बहुत सारे फ्रेंड्स मेरी टीम से जो कि इसमें अच्छा अर्न कर रहे हैं, तो उनका विड्रॉल के लायक अमाउंट बन रखी है, किसी का 500, किसी का 1000 और इससे भी ज़्यादा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये करंट बैलेंस मनी से विड्रॉल लगाया जाता है, तो करंट बैलेंस मनी में 4770 रुपये आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये विड्रॉल मैं लगाने जा रहा हूँ IMPS के अंदर। तो IMPS में क्या होता है कि हम जो हमारा कैश से बैंक में पैसा जाता है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि 500 से लेके 1000 रुपये तक जो आपकी अमाउंट होती है वो आप यूटिलिटी में ही ले सकते हैं, जैसे कि आप अपना डिश का रिचार्ज या अपने मोबाइल का रिचार्ज वो आप कर सकते हैं। तो ये जो अमाउंट मैं अब इसका विड्रॉल लगाने जा रहा हूँ वो IMPS में, तो वेबसाइट के ऊपर जाएंगे हम। पहले एप्लीकेशन से ये जो विड्रॉल लगाया जाता है ये वेबसाइट के ऊपर जाके ही लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम वेबसाइट पर जाएंगे, गो टू टास्क, जैसे कि हम नॉर्मली करते ही हैं। तो यहाँ पे ये मेन्यू का बटन नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करते हैं और यहाँ से सारी ऑप्शंस आपके सामने आती हैं जो भी वेबसाइट्स के रिलेटेड इसको हम ऑपरेट करते हैं। तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैलेट ऑप्शन आ रही है एक, तो वैलेट के नीचे वैलेट इन्फो और इसके नीचे विड्रॉल है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही छोटा सा प्रोसेस है, जिसमें कि आप बड़े आसानी से कोई भी इसकी रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। जहाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं बैलेंस मनी में जो मेरी अमाउंट है वो नज़र आ रही है, 4770 रुपये 31 पैसे। और यहाँ पे इसके नीचे जाएंगे थोड़ा हम, ये देखिए ये ट्रांसफ़र ऑप्शन आ गए नीचे। तो यहाँ पे हम बैलेंस मनी से फ्रॉम बैलेंस मनी टू, तो यहाँ पे हमने ट्रांसफ़र किस में करना चाहते हैं हम, तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने आएंगी, ये देखिए यूटिलिटी मनी, IMPS या बैंक रिक्वेस्ट। तो क्योंकि यहाँ पे जो मेरा बैलेंस है वो IMPS के लायक है, तो मैं IMPS में इसको ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर IMPS सेलेक्ट कर लेंगे। अदर किसी का यूटिलिटी के अकॉर्डिंग बैलेंस है, जैसे 500 से 1000 के अंदर अंदर बैलेंस है उसका, तो वो यूटिलिटी में ट्रांसफ़र कर लेगा। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे IMPS को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया IMPS मनी। तो अब हमारी जो अमाउंट है यहाँ पे हम ट्रांसफ़र कितना करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको पता ही है कि 4770 रुपये हैं। तो यहाँ पे हम अपनी अमाउंट यहाँ पे पूरा फिल कर देते हैं, 4770 रुपये। और इसके बाद क्या करेंगे, हम सिर्फ ट्रांसफ़र को क्लिक करना है हमने, और डू यू वॉन्ट टू प्रोसीड, क्या ये आप लेना चाहते हैं, और हम इसको ओके कर देते हैं। और ये देखिए यहाँ पे जो मेरा बैलेंस मनी था वो यहाँ पे सिर्फ 31 पैसे बाकी बचा है, तो इट मीन्स कि हमारा जो विड्रॉल है वो लग चुका है। तो इसको एक बार चेक करने के लिए एक और ऑप्शन यहाँ पे आती है कि वॉलेट के अंदर ही यहाँ पे विड्रॉ रिक्वेस्ट IMPS, इसे हम चेक कर लेते हैं कि मेरा कितना जो लगाई है, मैंने रिक्वेस्ट लगाई है वो सक्सेसफुली लग चुकी है या नहीं लग चुकी। तो यहाँ पे ये देखिए, तो ये मेरा 8वां विड्रॉल है, तो ये यहाँ पे आ गया 4770 रुपये का पेंडिंग, बाकी की सारी अमाउंट जो है वो प्रोसेस्ड है, तो ये पेंडिंग है, ये इन प्रोसेस है, ठीक है। तो आपको पता ही है कि जैसे कि हम PDF में हम देख चुके हैं कि जो हमारा विड्रॉ रिक्वेस्ट होती है वो हर महीने की 1 से लेकर 5 तारीख तक लगाई जाती है, और उसका जो विड्रॉल पे आउट है वो हमें 25 से लेकर 30 तारीख तक, या जो भी मंथ का लास्ट डे होगा 25 से 30 या 25 से 31 तक आपको आपके जो आपका संबंधित आपका वैलेट होगा, जो आपका बैंक रिक्वेस्ट है तो बैंक में, IMPS में या आपका यूटिलिटी में आपका बैलेंस ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया।